तो आज हम उन कुछ रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फेवरेट है मनी इन द बैंक जीतने के लिए। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले जो कि फिन बैलर है वो काफी ज्यादा टेस्ट है, तो वो जीत सकते हैं WWE का मनी इन द बैंक। जैसे कि WWE में काफी कुछ इस तरीके से चलता रहता है कि फिन बैलर को पुश मिलनी चाहिए, सैमी ज़ेन को पुश मिलनी चाहिए, बट फिन बैलर जो कि है इसमें कंफर्म्ड है कि वहां पर होंगे और वो जीत भी सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा की अगर हम बात करें डीन एम्ब्रोस, जैसे कि डीन एम्ब्रोस के चांसेस है कि वो WWE में 2018 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकते हैं उनके मर्चेंडाइज सेल के लेवल पर। इसी वजह से तो अगर हम बात करें तो मनी इन द बैंक जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट WWE ऑलरेडी वो एक बार कर दिया है, मेरे हिसाब से रिपीट करना अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर WWE को एक ये पॉसिबल लगता है तो ये भी अच्छी बात है उनके करियर के लिए। तो नेक्स्ट रेसलर जो कि होने वाले हैं वो हो सकते हैं प्रोबेबली ब्रॉन स्ट्रोमैन। जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं और साइज में बड़े होने का जो कि उनके पास काफी ज्यादा फायदा है कि वो वहां पर जा सकते हैं और वहां पे काफी बुरे तरीके से जो कि है लैडर्स को स्क्वैश कर सकते हैं। जायंट साइज जो कि है उठने की एजिलिटी, स्टेमिना और ये सब कुछ उन्हें टाइटल जो कि है जितवाने में मदद करेगा। उसी के साथ साथ वो 2018 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं, उसके साथ साथ मनी इन द बैंक भी अगर जीत ले तो अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसलर के ऊपर। जो कि नेक्स्ट रेसलर है वो कुछ इस तरीके से जो कि है WWE में काफी ज्यादा अंडररेटेड है और उसके अगर हम बात करें तो वो है जैक राइडर। जैक राइडर जो कि है वो WWE में बहुत ज्यादा टीज्ड है, बट जो कि जैक राइडर जो कि है वो दो बंसन के साथ टीज होते हैं, यानी कि उनका जो कि रिप्लिकेंट हो सकता है वो पॉसिबली डॉल्फ ज़िगलर हो सकता है। तो ये दोनों जो कि एक नंबर पर फेवरेट हैं, एक नंबर मतलब सेम नंबर पर, ये नंबर दो पर सबसे ज्यादा फेवरेट है। नंबर एक पर जो कि सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है रोमन रेंस। रोमन रेंस जो कि इस टाइम पर आकर सबसे ज्यादा फेवरेट है कि वो जीत सकते हैं WWE की मनी इन द बैंक और उसके बाद वो कैश इन कर सकते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव ब्रांड के ऊपर। बिकॉज इस बार जो कि होने वाला है वो को ब्रांडेड यानी कि मल्टी ब्रांडेड स्मैकडाउन की तरफ था पिछली बार, इस बार रो और स्मैकडाउन दोनों के रेसलर्स जो कि मेरे हिसाब से तीन तीन रेसलर्स दोनों ब्रांड से जाएंगे और चांसेस है कि उनमें से कोई एक जीत जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं वर्मन।